के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जाट विश्राम स्थली से पद संचलन ब्रह्मा मंदिर पहुंचा। पुष्कर क्षेत्र से स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सैकड़ों पदाधिकारी इस पथ संचलन में शामिल हुए। ब्रह्मा मंदिर से होते हुए गौघाट, वराहघाट, नयरंग जी मंदिर, गुरुद्वारा से होलिका चौक पहुंचा, जहां पार्षद लक्ष्मी पाराशर के नेतृत्व में आरएसएस पथ संचलन का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद अंबेडकर सर्कल पर भाजपा ओबीसी मोर्चा और एससी मोर्चा के तत्वाधान में सड़क पर पुष्प बिछाकर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। जाट विश्राम स्थली पर पथ संचलन का समापन हुआ। रामनिवास वशिष्ठ ने बताया कि पुष्कर शाखा से जुड़े सभी हिंदू और नवयुवकों द्वारा पथ संचलन तीर्थनगरी पुष्कर में हर वर्ष की भांति भी आज भी निकाला गया। देशभक्त लोग, राष्ट्रभक्त और ईश्वरीय भक्त लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष पथ संचलन किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में असुरी शक्ति के लोगों का नाश और उसके लिए सभी एक होकर चले। वहीं बालकिशन पाराशर ने बताया कि पुष्कर नगर के लोगों द्वारा पथ संचलन निकाला गया, जिसका उद्देश्य है कि असुरी शक्ति और राष्ट्र विरोधी में भय व्याप्त हो और हिंदू रक्षा के लिए संघ हमेशा समर्पित है। संघ पुष्कर शाखा की ओर से नगर से सारे स्वयंसेवकों ने मिलकर के पथ संचलन निकाला है। इसका उद्देश्य यह है कि आसुरी शक्तियों और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उसमें उनमें भय प्राप्त हो और देशभक्त नागरिकों में एक संबल प्राप्त हो कि ये रक्षा हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघ समर्पित है। इसमें कौन मुख्य वक्ता थे और आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे इस कार्यक्रम में संचलन के पहले बौद्धिक कार्यक्रम हुआ, उसमें देवाराम जी भाई साहब का बौद्धिक हुआ एवं अमित दास जी महाराज जो हमारे पूर्व में प्रचारक थे अब संत बन गए हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में और उनका आशीर्वचन भी हमको मिला। शाखा पुष्कर की ओर से जाट विश्राम स्थली ब्रह्मा मंदिर के पीछे से ये वार्षिक आयोजन होता है पथ संचलन। समस्त हिंदू नव युवक मिलकर के अपनी राष्ट्रीय चेतना को जागृत और प्रसारित करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसमें अपन चाहते हैं कि देशभक्त लोग, राष्ट्रभक्त लोग, ईश्वर भक्त लोग और जो समाज भक्त लोग हैं इसमें सब साथ मिलकर चलें और आसुरी छल कपट मायावी जो शक्तियाँ हैं, राक्षसी शक्तियाँ हैं, उन सब का समूल नाश हो जाए। वो धर्म में वो जयते, सत्य में वो जयते, राष्ट्र में वो जयते, राष्ट्र देवो भव, ये हमारा उद्देश्य है।